हेलो बच्चों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है आधा फुल और बोलती चट्टान। तो बच्चों, है ना यह शीर्षक बहुत ही मज़ेदार। इस कहानी में कुछ पात्र हैं, जैसे यह है किट्टी, इनकी उम्र है 16 साल और यह 11वीं कक्षा की छात्रा है। और इनका गुण है कि जोश भी है और होश भी, और किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये है अदरक, नाम ही निराला है। और इनकी उम्र है 15 साल, इन्होंने 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है। इनका गुण है यह एक नंबर का जुगाड़ू है और इनके पास तरकीब की भरमार है। और ये है इंटेलिजेंट गर्ल तारा, इसकी उम्र है 12 साल और कक्षा है 7वीं। इनके पास जानकारी की चलती फिरती किताब है। तारा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। ये तीनों बच्चे बदलीपुर में रहते हैं। बदलीपुर एक गांव है। तीनों बच्चों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। तो बच्चों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ और पात्र इसमें हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो बच्चों, यह कहानी है बदलीपुर की, और बदलीपुर में है एक बड़ा सा चट्टान। सब लोग कहते हैं कि बदलीपुर की पहाड़ी वाली चट्टान में एक दानव रहता है। एक दिन उसी चट्टान पर कुछ लिखा मिला, और क्या लिखा था चट्टान पर? लिखा था, आज चट्टान दानव बोलेगा। तो किट्टी और तारा वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी देखा कि चट्टान पर कुछ लिखा हुआ था। तो किट्टी ने कहा, किसी ने मजाक किया होगा, दानव चट्टान तो बस कहानियों में होता है। तो तारा ने बोला, ना, हमारी दादी तो कहती थी कि इस पहाड़ी में एक दानव रहता है। अचानक वो चट्टान बोल पड़ता है। वे कहता है, बदलीपुर वालों, मैं चट्टान दानव हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। चट्टान दानों को बोलता सुन सब डर गए। सभी लोग कहने लगे, नहीं, हमें क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो, मैंने तो कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। फिर चट्टान दानों बोलता है, छोड़ दूंगा लेकिन एक शर्त पर। सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए कि क्या शर्त हो सकती है, चट्टान दानों क्या शर्त देगा। तो अचानक चट्टान दानों सवाल पूछना शुरू करता है, और वह कहता है, सवाल पूछूंगा चार, अगर गलत जवाब आया एक भी बार तो बर्बादी के लिए रहना तैयार। सभी गांव वाले सोचने लगते हैं, जाने क्या पूछेगा, आज तो सामत आई, पता नहीं इन प्रश्नों के उत्तर हम दे भी पाएंगे या नहीं। गांव के जो छोटे बच्चे थे, यह सुनकर सब किट्टी के पास पहुंच गए, और वहां पर सभी लोग ढूंढने लगे कि अरे अदरक कहाँ है। और एक लड़की थी पायल, उसने कहा, अदरक कहाँ है, सिर्फ वो ही जवाब दे पाएगा क्योंकि वह इतना बहादुर है। तारा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पायल से कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। लड़के और लड़कियां दोनों बराबर होते हैं। लड़कियां वो सब बहादुरी और बुद्धिमानी से कर सकती हैं जो लड़के भी कर सकते हैं। फिर सब दानों के पास चले जाते हैं, और किसी के पास कोई चारा नहीं होता है तो वे सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर चट्टान बोलता है, बोलो, मंजूर है। सभी सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो कोई चारा भी नहीं है, और सब मजबूरी में हाँ में मंजूरी दे देते हैं। इसके बाद चट्टान दानों ने सवाल पूछना शुरू किया। चट्टान दानों का पहला सवाल था, फिल्मों का हीरो लंबा गोरा बॉडी वाला होता है, हीरोइन लंबे बाल बेदाग चेहरा गोरे रंग वाली होती है, क्या सब लड़कों को हीरो जैसा और लड़कियों को हीरोइन जैसा ही होना चाहिए? सभी जवाब सोचने लगते हैं। तो बच्चे पायल और अभय वहाँ एक साथ आते हैं, और वे बोल पड़ते हैं,
हमें पता है इसका जवाब हमें पता है। चट्टान दानव बोल पड़ता है, बताओ पर याद रखना गलत जवाब मतलब तबाही। फिर अभय बोल पड़ता है, नहीं होना चाहिए, क्यों होना है हीरो जैसा बॉडी वाला, मैं तो एकदम ओरिजिनल हूँ, किसी के जैसा नहीं बस खुद के जैसा, जो जैसा है ठीक है। फिर पायल बोल पड़ती है, गोरी होने से क्या होगा, मुझ पर भी प्रेशर था, पर फिर मैंने सोचा असली चीज तो गुण है, जैसे मैं निशाना अच्छा लगाती हूँ तो टीवी वाले मॉडल के जैसा लगने के लिए क्यों टेंशन लूं और अपना समय पैसा और मन की शांति बर्बाद क्यों करूं? सो मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। चट्टान दानव खुश होकर बोलता है, सही जवाब। यह सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते। पहाड़ दानव फिर से बोलता है, अभी 3 सवाल बाकी है। फिर किट्टी बोलती है, पूछो। फिर चट्टान दानव का दूसरा सवाल आता है। चट्टान दानव पूछता है, विज्ञापनों और फिल्मों में दिखने वाले हीरो ऐसे क्यों दिखते हैं? फिर रानू इस प्रश्न का उत्तर देती है और वे बोलती है, मेकअप के कारण, ताकि अच्छे दिखकर विज्ञापन के जरिए अपना माल बेच सके, लेकिन ये तस्वीरें जो दिखाती हैं वो सच नहीं होता और उनमें काफी बदलाव लाया जाता है, उनकी तरह दिखना संभव नहीं है, इसलिए हमें उनके जैसा दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस बार भी उसका जवाब सही होता है और चट्टान दानव बोलता है, सही जवाब। इस बात पर किट्टी रानू को शाबाशी देती है और कहती है, शाबाश रानू, तूने तो आज बचा लिया सबको, चैंपियन निकली तू तो। रानू ने उत्तर दिया, ये बात तो तुमने ही सिखाई थी किट्टी। चट्टान दानव फिर बोल पड़ता है, खामोश, अब अगला सवाल सुनो। राम ने श्याम को देखा और सोचा, वाह क्या बॉडी है, क्या बाल है, मेरे तो ऐसे नहीं है, क्या राम को ऐसी तुलना करनी चाहिए, बोलो। इस प्रश्न का जवाब विवेक देता है, वह कहता है, सुनो चट्टान दानो, मैं भी हमेशा अपनी तुलना खोबी लाल से करता था और सोचता था कि मुझ में कुछ कमी है, मैंने सोचा मैं खोबी लाल से खुद की तुलना क्यों करूं और उदास रहूं, रंग रूप की तुलना करना व्यर्थ है, मैं जैसा हूं ठीक हूं और अपने में खुश हूं। बाकी बच्चे सोचने लगते हैं और कहते हैं, विवेक तो अलग ही कहानी सुना रहा है, जवाब तो दिया नहीं। चट्टान दानव विवेक का उत्तर सुन करके खुश होता है और वह कहता है, शाबाश विवेक, तुमने एकदम ठीक किया। विवेक कहता है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, किसी और से तुलना करके खुद को क्यों परेशान करना, सब अपने आप में खास हैं। इस बात पर चट्टान दानव बोलता है, वाह क्या जवाब दिया है, अब आखिरी सवाल पूछता हूँ। मैंने किसी से पूछा कि क्या तुमने वजन कम किया है, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या मैंने यह पूछकर सही किया? फिर वहाँ खूबीलाल आ जाता है, इस प्रश्न का उत्तर वही देता है, वह बोलता है, क्यों पूछा तुमने गलत बात, इतने बड़े दानव हो इतना भी नहीं पता कि लुक्स को लेकर कमेंट करने से क्या होता है। किट्टी यह सुनकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या कर रहा है, दानव को क्यों डांट रहा है, दानव गुस्सा हो गया तो। खूबीलाल का जवाब सुनकर चट्टान दानव बोल पड़ा, लगता है तुमको चांद की परवाह नहीं है, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। खूबीलाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। खूबीलाल फिर बोलता है,
अरे एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, मेरे चाचा ने बॉडी की तारीफ की तो मैं लुक्स को लेकर टेंशन लेने लग गया था और मुझ पर अच्छा दिखने का प्रेशर बढ़ गया था। सारा टाइम आईने के सामने ही लगा रहता, पढ़ाई लिखाई तक से मन छूट गया। मैं जितना भी रंग रूप को सुधारने की कोशिश करता उतना ही बुरा महसूस करता। यहाँ तक कि चाचा का कमेंट सुनकर अदरक भी अपने लुक्स को लेकर परेशान हो गया था, पर जल्दी ही अक्ल आ गई। दोबारा जब किसी ने लुक्स पर अच्छा या बुरा कमेंट किया तो मैंने उसे टोका और ऐसा करने से मना किया। तो चट्टान दानव, तुम भी लुक्स को लेकर ना अच्छा ना बुरा कैसा भी कमेंट मत करना। चट्टान दानव बोलता है, तू तो गजब लड़का है रे, सवाल के जवाब में कोई कहानी सुना दी, एकदम सही बात कही। सभी बच्चे यह सुनकर खुश हो जाते। फिर चट्टान दानव बोलता है, हाँ तुम जीत गए, अब तो सारे बच्चों को जवाब पता चल गए, पर सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, इन सब पर अमल भी करना होगा। मैं हमेशा के लिए बदलीपुर छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ ऐसे चैंपियंस रहते हैं वहाँ मेरा क्या काम। चट्टान दानव की बात सुनकर खुशी से सब झूम उठे। फिर विवेक कहता है, देखो तुम्हारे बिना भी हमने जवाब देकर बदलीपुर को बचा लिया, ये अदरक डर के मारे कहाँ गायब हो गया। यह सुनकर किट्टी और तारा मुस्कुराते हैं। तभी अदरक किट्टी और तारा के पास आ जाता है और बोलता है, वाह क्या तकलीफ थी, एक ही बार में पूरे बदलीपुर के बच्चों को समझा दिया। फिर किट्टी बोलती है, चट्टान दानव तुमको भी तो मजा आया होगा ना आवाज निकालने में। फिर विवेक कहता है, रूप रंग की तुलना और शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें हमारे समाज में आम हैं, लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती हैं और आदर्श रूप के दबाव को बढ़ावा देती हैं। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों से उनका ध्यान बटाती हैं। बॉडी टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे उनको लगने लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो अपना सारा समय लुक्स के चिंता में बिता देते हैं। फिर तारा और किट्टी एक साथ बातें करते हैं, खुश होते हैं और तारा बोलती है, हमारी आपकी प्लानिंग से पूरे बदलीपुर के बच्चों के मन से लुक्स की टेंशन तो खत्म हो गई। फिर सभी बच्चे एक साथ मिलकर के बोलते हैं, आधा फूल जिंदा बाद। तो बच्चों इस कहानी से आपने क्या सीखा? स्टीरियोटाइप्स वर्षों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं, ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह ज़रूरी है कि लड़के लड़कियों दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। टीवी और विज्ञापनों में दिखाए गए आदर्श रूप के कारण हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दबाव महसूस करते हैं। जो हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो इसलिए दर्शाए जाते हैं ताकि हमें अपने और अपने लुक्स के बारे में बुरा लगे और हम वो सारी चीज़ें खरीदें जिससे हमें लगता है कि आदर्श रूप को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम जो भी टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं उससे हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वो सच नहीं होता है और उसे पाया भी नहीं जा सकता। उससे सिर्फ समय, पैसा और मन की शांति व्यर्थ होती है। रूप रंग की तुलना और शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें हमारे समाज में आम हैं, लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती हैं और आदर्श रूप
के दबाव को बढ़ावा देती हैं। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों से उनका ध्यान बटाती हैं। बॉडी टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे उनको लगने लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वे अपना सारा समय लुक्स की चिंता में बिता देते हैं।